दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं डेली पढ़ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब हमारा SGOT और SGPT इतना है, किसी किसी का तो 3,000 है, किसी का 2,000 है। तो ऐसे सारे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि आप YouTube पे आते हैं, देखते हैं डॉक्टर्स के वीडियो आपको देखते हैं और वहाँ पर आप कमेंट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, YouTube और जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एक सजेशन देते हैं कि आप इसमें ये कर सकते हैं, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको ये करना है। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो सही आपको निवारण मिलेगा अपनी समस्या का, वो आपके जो भी आसपास डॉक्टर हैं, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, जो भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाएंगे तो ही आपको सही समाधान मिलेगा। क्योंकि केवल आपका SGOT 3,000 है, SGPT आपका 2,000 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, हम क्या करें, हम कौन सी मेडिसिन लें, आप इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए। क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि अगर आप SGOT, SGPT भी या फिर बिलिरुबिन भी आपका बढ़ा हुआ है, तो आप जानिए कि आपके लीवर के अंदर कोई बड़ी समस्या चल रही है। छोटी मोटी समस्या में ये सारी चीज़ें जो लेवल हैं, जो एंजाइम्स के लेवल हैं, वो इतने नहीं बढ़ते हैं। आपके अंदर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा हाई लेवल्स मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें कोई भी मेडिकल से लेके मेडिसिन मत खाइए, कोई भी आप ऐसा लेके सिरप मत पीजिए कि डॉक्टर साहब ने लीवर 52 भी चार चार पी लिए हैं बट हमारा SGOT SGPT कम नहीं हो रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें हमें सामने दिखाई देती हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पेशेंट कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आप मेडिकल से ट्रीटमेंट मत लीजिए, आप किसी झोला छाप से ट्रीटमेंट मत लीजिए और कोई भी आप हल्की दवाई मत खाइए। क्योंकि सबसे पहले आपका डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। सिम्टम्स भले ही आपके अंदर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, बट आपकी रिपोर्ट में बार बार आपको 2,000 प्लस में मिलता है आपका SGOT या फिर SGPT। तो आपके एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं, जो भी सबसे अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि पेट रोग विशेषज्ञ होते हैं, आप उनके पास जाइए, जो भी रिपोर्ट्स हैं आप उनको दिखाइए और अपनी वो रिपोर्ट्स कराना चाहते हैं उनको आप पूरी रिपोर्ट्स करने दीजिए, अल्ट्रासाउंड या फिर कोई फैटी लीवर की जांच या फिर और भी कोई अपने स्तर से वो अपनी जांच करना चाहते हैं तो आप उनको सारी चीज़ें करने दीजिए। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम निकल रही है, चाहे हेपेटाइटिस है, कैंसर है, या फिर आपको जॉइंटिस है, सीवियर जॉइंटिस है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, या फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, या सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो वो अपने स्तर से आपको ट्रीटमेंट देंगे तो जाके आपकी प्रॉब्लम घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आप YouTube पे इतने सारे ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, तो आप इतनी खतरनाक बीमारी के ट्रीटमेंट YouTube से मत लीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। आपके पास गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, पेट रोग विशेषज्ञ नहीं है उस एरिया में, तो आपको ध्यान ये रखना कि आप किसी MD डॉक्टर को आप दिखाइए जो कि फिजिशियन है, आप उन डॉक्टर को जाके जरूर दिखाइए जिससे कि आपकी प्रॉपर जाँच हो सके और आपकी कंडीशन डायग्नोस होके आपके उसी हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट लेके चला जा सके। क्योंकि अगर आपका SGOT SGPT कम है कि आप समझिए कि 150 है, 200 है, तो ये सारी चीज़ें होम्योपैथी या आयुर्वेदिक से कवर हो जाती हैं। अगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा है, तो भी ये सारी चीज़ें जो कवर हो जाती हैं कुछ मेडिसिन करने से, परहेज करने से। बट जब आपके लेवल इतने ज़्यादा हाई मिल रहे हैं तो आप इसमें ऐसी गलती मत कीजिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप जरूर ओपिनियन लीजिए। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।